उन्हीं के दौर के उन्हीं के प्रिय मित्र सूर्य प्रकाश की एक और कहानी। उस तरफ में जब एक एक सामान्य व्यक्ति ने एक विशेष काम किया तो ये एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य असामान्य काम है लिखा था और प्रूफ रीडर ने उसको सामान्य की जगह असामान्य कर दिया, क्योंकि सामान्य व्यक्ति असामान्य काम नहीं करते हैं, हमारे प्रूफ रीडर से माना करते हैं, जबकि असामान्य काम सामान्य व्यक्ति ही किया करते हैं। तो सामान्यता को ढूंढने की कोशिश उनकी कविता उनकी रचनाओं में हमेशा रही है। मुझे लगता है इस किताब को जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे और ज़्यादा इसको समझने में मदद मिलेगी, मुक्तिबोध की कविताओं को समझने में भी ये एक नई खिड़की खोलेंगी, और इससे ज़्यादा ये खुद रमेश उपाध्याय जी के रचनाकर्म को समझने के लिए भी एक एक नई खिड़की हो सकती है। शुक्रिया। चरण सिंह जी पते अपने से कोई मना ही नहीं, चाय पीते हुए भी बात कर सकते हैं। चरण सिंह जी को मैं कह दिया सबसे पहले तो हमारे वरिष्ठ कहानीकार और जिनको पढ़ के हम जैसों ने कहानी लिखना शुरू किया, रमेश जी को मैं 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई, मंच के सभी आदरणीयों को आप सभी को। नंद जी का आदेश हुआ है कि अचानक के बोलना है, मैंने कि सर मैंने तो तैयारी नहीं करी कि यार बिना तैयारी के बोलना चाहिए आदमी को। तो हम जब हिमांशु यहाँ हैं हमारे साथ में, हम जब लिखना शुरू किया, हमने जब शुरुआत की थी तो हमारे एक ग्रुप था बितान, तो हम साहित्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। और उस वक्त जो जैसे कि सर की किताब आई है मुक्तिबोध वाली, तो वो संग्रह इनसे ही लेके पढ़ा था, चांद का मुंह टेढ़ा। वैसे भी मुक्तिबोध को समझना बहुत टेढ़ा है, और कहानी के जरिए कविता के जरिए वो जो जितना जटिल रस्ते हैं वो रमेश जी ने उस हम जैसे पाठक या बहुत सारे ऐसे पाठक जो मुक्तिबोध को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाते, यानी तो एक कहानी के जरिए, कहानी एक ऐसी चीज़ है या कथा तत्व एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी पढ़ने में थोड़ा डूबता है। हम जब लिखना शुरू करे थे तो बहुत सारे नाम हमारे जहन में तैरते थे, हमारी इच्छा होती थी कि हम ऐसा लिखें, जैसे कि एक मनुष्य ने बताया कि देवी सिंह कौन, वो कहानी उस वक्त हम जितनी भी मैगजीन पढ़ते थे उनमें एक नाम होता था देवी सिंह कौन, सोम प्रकाश जी, रमेश जी, उनकी थोड़ी सी इसी समकालीन पीढ़ी में ज्ञान जी। और पहली बार हमने ये जाना कि कहानी एक कविता, प्रगतिशील कहानी, जनवादी कहानी। रमेश जी की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, मैं कहानी की बात करूं कि जिंदगी के जटिल यथार्थ को पूंजीवाद कॉरपोरेट और जो ऐसी ताकत जो मजदूरों के खिलाफ, जन सामान्य के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, एक आम आदमी के खिलाफ काम करती है, और उस जटिल यथार्थ को वैचारिकता के साथ पाठक के सामने कहानी के जरिए रखना, ये बड़े कौशल का काम है। कभी जब आप ऐसा करते हैं तो कभी आपकी कहानी वैचारिकता से इतनी लद जाती है कि उसका कथ्य और आप क्या कहना चाहते हैं समझ में नहीं आता। बहुत सारी कहानियाँ हैं बहुत सारे लोगों की, वो विचार इतना हावी हो जाता है कहानियों में कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कहानी है या ये एक निबंध है। रमेश जी की खूबसूरती बात यह है कि उस जटिल यथार्थ को, चाहे वो फैंटेसी के जरिए हो और वो एक आम आदमी जहाँ आता है उसकी पीड़ा को, जैसे अभी इनकी एक कहानी शायद भोपाल गैस त्रासदी को लेकर थी, मतलब सर जी हाँ, तो वो बड़ी अद्भुत कहानी थी। हाँ, ये बड़ा समझना कठिन है सर कि कहानी आदमी क्यों पढ़ेगा। मान ले मैंने कोई कहानी पढ़ी और मेरे सिर से ऊपर होके निकल गई पाठक,
उस दौर के कथाकार जहाँ सोमप्रकाश जी हैं, रमेश जी हैं, ज्ञान रंजन जी हैं, या ऐसे जो हमें ये यथार्थ समझ में नहीं आ रहा, इतना जटिल यथार्थ है कि जो ताकतों के पीछे ऐसी कौन सी ताकतें और किस तरह से काम करती हैं, वो जो जंजाल है खतरनाक लोगों का, वो किस तरह से एक व्यवस्था के तौर पर, भ्रष्ट व्यवस्था के तौर पर काम करता है, उसको वैचारिकता के साथ पाठक के सामने रखना और उसी कथ को अंत तक साथ चले जाना, जहाँ आपकी किस्सा कोई नहीं टूटती, जहाँ आपकी पठनीयता बिल्कुल बाधित नहीं होती। वरना होता है कि अब हम जब कहानी लिखते हैं तो कथ कहीं छूट जाता है, वैचारिकता पता नहीं कहाँ चली जाती है, और एक ऐसी कहानी सामने आती है जो सिर्फ हम मनोरंजन के लिए या कह लें कि यार टाइम पास करने के लिए पढ़ लेते हैं। रमेश जी ऐसे कथाकार नहीं हैं जिनको टाइम पास करने के लिए पढ़ा जाए। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है एक रचनाकार की, आप उसको अगर ऐसे पढ़ते यार मैं सफ़र में जा रहा हूँ चला कहानी पढ़ लेता हूँ, है ना, और चूँकि तो वो कोई बात बनेगी नहीं। मतलब बहुत से हैं अभी जो कहानी में नई तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं, लोग तरह तरह के कहानियों में प्रयोग कर रहे हैं, रमेश जी ने प्रयोग भी करे, लेकिन आप देखिए उनकी कहानियों को, आपको कहानी आपसे कहेगी भाई साहब रुकना थोड़ा, ठहर के आराम से तसल्ली से पढ़िए, है ना, और फिर कहानी को समझिए। हमने जब लिखना सीखा तो हमारी बड़ी तमन्ना रहती थी, क्यों हमें, हम जिस वर्ग से आते हैं, मैं जिस वर्ग से आता हूँ गांव से, है ना, जहाँ खेती बाड़ी है, मजदूर भी हैं, है ना, हमारी कहानी कौन कह रहा था? हो सकता है पूंजीवादियों के लिए पूंजीपति की कहानियाँ उनको पसंद आती होंगी, बड़े बड़े जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है उनकी कहानी उनको पसंद आती होंगी। सवाल ये था कि उस दौर में हमारी कहानी कौन कह रहा था, उन लोगों की कहानी कौन कह रहा था जो दबे थे, कुचले थे और उनको दबाया जा रहा था? उनमें से रमेश जी एक महत्वपूर्ण है जो हमारी कहानी कह रहे, हम जैसों की कहानी कह रहे थे। और हमें आप ताज्जुब करोगे, मुझे तो मैं एक ऐसा पाठक हूँ कि शायद मैगजीन मतलब भूख की तरह पढ़ता हूँ। मैं अपने समकालीन या पुरोधाओं से बिल्कुल ऐसा नहीं है परिचित नहीं होता हूँ। मेरे सामने जो नए लिख रहे हैं वो, पुराने लिख रहे हैं वो, पढ़ने की जो ललक है और जो भूख है, उस दौर में रमेश जी, सोम प्रकाश जी, ज्ञान रंजन जी जो लिखते, दूधनाथ सिंह जी, काशीनाथ सिंह जी, है ना, और मैं तो कहूँ इतने बड़े लोगों के बीच में, और जहाँ एक बाकायदा जो एक सिस्टम चलता है जो अब भी चल रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा कि इसको उठा के इसको गिराना है, इसको उठा के इसको स्थापित करना है, उस दौर में अपनी कहानियों के जरिए यानी बात बोलेगी कि आपका काम बोलता है, ये साबित करना। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, रमेश जी बैठे हैं बहुत सीनियर है हम जैसे तो लिखना ही सीखे हैं, कि अकेले जैसे ही झंडा उठाया उन्होंने एक तरह से उस दौर, हालांकि बहुत लेखक थे लेकिन कभी कभी आप अकेले पड़ जाते हैं, बहुत सारे होते हुए भी अकेले पड़ जाते हैं, बहुत सारे उनके बीच में अपनी रचनाओं के बल पे और बहुविधाओं में लिखना, बहुविधाओं को साधना और अपनी कहानी की जो मूल चीज़ है उसको बरकरार रखना बड़ा कठिन काम है सर। क्योंकि आप सभी रचनाकार हैं, हम भी कहानियाँ लिखते हैं, हमें कहानी लिखे 6 महीने हो जाते हैं, कभी कभी साल भरी हो जाती है, यार आप चुक गए क्या? रचनाकार कभी रिटायर नहीं होता और कभी चुकता नहीं है सर। लेखन एक प्रोसेस है जो निरंतर आपके दिमाग में भीतर चलता रहता है, आप सोते हैं तो, बैठते हैं तो, कहीं भी या आपका स्वप्न भी आ रहा था, वो एक रचनात्मक, तो उस फैंटेसी के जरिए जैसे अभी राधाराम जी ने और दुर्गा जी ने भी बात करी है, उस अति यथार्थवाद को समझना और उसको बहुत ही पुरजोर तरीके से वैचारिकता के साथ, यानी ऐसा नहीं है कि कहानी में वैचारिकता वैचारिकता है, आप कहानी जनसामान्य को ढूंढ रहे हैं मिलती नहीं है, आपको लगता है यार एक मजदूर आदमी जनवाद को क्या समझेगा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। रमेश जी की कहानियाँ की जो स्थिति है वो ये है कि वो जो स्थिति हैं और जो संवाद हैं वो उस वातावरण का निर्माण करते हैं जहाँ आपको पकड़ में आती है कहानी, हाँ ये बात
वैसे मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सौ की कहानी मैंने पढ़ी है, वो इस तरह से वैचारिकता से लाद दी जाती हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब यानी अपने विचारों में खुद ही स्पष्ट नहीं होगा, पाठक वहाँ गुमराह होता है और प्रयोग के नाम पर कई चीज़ें होती हैं ऊटपटांग। मैं तो ये भी कहूँगा कि हम जैसों को कहानीकार बनाने में मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत बात लिखने लगा हूँ। मैं तो 36 साल की उम्र में जब लोग बहुत बड़ा काम कर चुके होते हैं लेखन के क्षेत्र में, तब मेरी पहली कहानी आई थी बक्खड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं कितनी पीछे लिखने लगा, जहाँ हमारे यहाँ समझ बनती है, एक वो होती है कि हमें लिखना है वो हम, लेकिन ऐसा हाँ। और हम रमेश जी को पढ़ता मैं शुरू से था, ये मेरी आदत थी, जहाँ रमेश जी थे बड़ी इच्छा होती थी रमेश जी की तरह हम छपें, या सोमप्रकाश जी की हम तरह हम छपें, नंद जी की हम तरह इनकी तरह छपें, ऋतुराज जी की तरह छपें, किस दिन हमारा भी यार कोई मैगजीन में नाम आए। तो जहाँ आपकी एक जो निर्माण प्रक्रिया होती है अपने उसे सीखने के में, और किस लाइन में जाना है सर, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, आप कौन सी ट्रैक पकड़ोगे, वरना हम भी ऐसी कहानी लिख जाती, मैं रोज़ कहानी लिख दूँ, आप मुझे 2 घंटा कमरे में बंद कर दीजिए, एक कहानी ले लीजिए आप, ईमानदारी की बात है। लेकिन हमारी जो कहानी कह रहे थे उस दौर में, हमें वो परंपरा का निर्वाह भी करना। और मैं रमेश जी को, चूँकि मुक्तिबोध हमारे बहुत प्रिय कवि हैं, हम ईमान सोच समझते थे, हमें कविता ही समझ में नहीं आती थी, प्रमोद था, प्रभात था, मुक्तिबोध वो अंधेरे की कविता लंबी ऐसे तनाव पड़ता था। मैं समझता हूँ मेरे जैसे पाठक के लिए तो ये रमेश जी की किताब, दुर्गा जी ने कहा, कुंजी का काम करेगी। और जिस तरह से वो समझाते हैं कथा तत्व के जरिए, यानी आपको बोरिंग लो या चार पन्ना पढ़े आप मेरे से, तो ये ऊपर हो गया जा रही, पढ़ी नहीं जा रही किताब। ये किताब की रचना प्रक्रिया की आपकी विशेषता है, जहाँ वो पाठक को पढ़वा सकती है। और मैं तो रमेश जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ, कथन के जरिए एक लंबा जो एक जगह भूमंडलीकरण और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहस कथन हम पढ़ते रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा काम है ये अपने आप में, एक साथ कई काम करना और अपनी मूल विधा को भी साधना, ये रमेश जी की विशेषता है। तो मैं पुनः, चूँकि मैं इतना ऐसे ही है जैसे सर ने कहा कि उबड़ खाबड़ी बोल दिया, जो उबड़ खाबड़ आया रमेश जी, और इनके लिए पुनः शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद पथिक जी। पथिक जी, जब ये पथिक जी ने अच्छी बात कही वैचारिकता और कथ को लेकर, वैचारिकता का लादना, तो मुझे याद आ रहा था, मैंने एक बार बाबा नागार्जुन से इंटरव्यू किया था और उनसे मैंने पूछा था कि वैचारिकता जो है कथ में ये किस तरह आती है, इस तरह का एक सवाल था। तो बाबा नागार्जुन ने ये कहा था कि वैचारिकता जो है कहानी में या किसी भी कथ में हींग की तरह होनी चाहिए, सब्जी में थोड़ी सी हींग डालते हैं लेकिन वो पूरी सब्जी में वो उसकी खुशबू आ जाती है, और ज़्यादा हींग डाल देते हैं तो फिर वो सब्जी कड़वी हो जाती है, जैसा कि वैचारिकता लादने की बात आपने कही। आपने वो बड़ खावड़ नहीं, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला, मैं गोविंद माथुर जी से अनुरोध करूँगा कि वो आए, आदेश है नंद जी का। सबसे पहले तो मैं भाई रमेश उपाध्याय जी को उनके 75वें जन्मदिवस पर बधाई देता हूँ, और हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि ये जन्मदिवस हम जयपुर में मना रहे हैं। जहाँ तक मेरे बोलने का है, सब लोग जानते हैं कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ और मैं कभी मंच पे खड़े बहुत ही कम बोलता हूँ, कविता ज़रूर पढ़ देता हूँ। बाकी आज रमेश जी का ये संग्रह, ये जो किताब है मुक्तिबोध पे, ये मुझे करीब 10-15 रोज़ पहले ही मिल गई थी, लेकिन मैं उसको ढंग से नहीं पढ़ पाया। जो मैंने पढ़ा उसके अनुसार मैंने यही पाया कि वास्तव में मैं खुद कविता लिखता हूँ और कभी पढ़ता रहा हूँ, मुक्तिबोध को समझना वास्तव में एक जटिल काम है, उनकी जो मानसिकता है
जैसी इतनी जटिल मानसिकता है कि वही उनकी कविताओं में आती है। ओरांग उटांग, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, ये कविता एक फैंटेसी है। फैंटेसी को अब उसकी मानसिकता क्या है, कवि की मानसिकता क्या है, समझ में नहीं आती है। देखिए अपना समय, उसका समय की जो दुरूहता है उन कविताओं में मौजूद है, लेकिन संप्रेषित तो नहीं होती हैं, हम उसका कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं क्या है। तो रमेश जी ने इस किताब के अंदर ये जरूर ये किया है कि एक आख्यान के जरिए आप उन कविताओं को समझ सकें, ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। और ये किताब मैं समझता हूँ कि मुक्ति बोध जन्म शताब्दी वर्ष पर ये एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है। रमेश जी से का प्रेम मुझ पर पिछले 3 दशक से चलता आ रहा है। मैं प्रारंभ में मैं खुद कहानियाँ ही लिखता था और कहानी से ही कविता में मैं आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने इनका उपन्यास दंड द्वीप धर्मयुग में धारावाहिक पढ़ा था, क्यों मेरी रुचि गद्य में थी। उन दोनों में कहानियाँ ही कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, सभी लोगों को पढ़ता रहा था। कुछ दिनों कुछ कहानियाँ मैंने लिखी, फिर कुछ में गायब हो गया, फिर नए ढंग से जब मैं आया तो मेरी कुछ कविताएँ हंस में छपी थी। 3 दशक पहले की बात बता रहा हूँ, जब हंस दोबारा से शुरू हुई थी, तो उन कविताओं पर उस हंस के दूसरे अंक में एक बहुत बड़ा आलेख रमेश जी का छपा, रमेश उपाध्याय का। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मेरी कविताओं का ही जिक्र था, इन्होंने मेरी कविताओं का जिक्र किया बिना मुझे जाने पहचाने। रमेश जी राजस्थान में बहुत रहे हैं, ये मुझे आभास था। अजमेर में इन्होंने पढ़ाई की, अजमेर में रहे, ये तो मैं जानता था, लेकिन मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। और वो पहला वो बना जब मेरी, फिर मैंने इनको लेटर लिखा कि आपने इनको, तब से लगातार निरंतर हमारा संपर्क प्रेम चलता आ रहा है। कथन में भी, कथन जैसी पत्रिका साहित्य के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका रही है उस वक्त ज़माने में। पहल और कथन, दस्तावेज, इस तरह की पत्रिकाएँ वैचारिक और साहित्यिक दोनों ही उसके अंदर करते रहे, और जितना परिश्रम इन्होंने किया कथन के लिए वो महत्वपूर्ण पत्रिका है। उसके अंक पहला जो इन्होंने पहला जिनका जो दौर था 80s वाला, वो अंक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बाद के तमाम अंक मेरे पास आज भी मौजूद हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका प्रेम भी बना रहे और आपकी किताब पे और चर्चा होनी चाहिए, इसकी चर्चा व्यापक रूप से होनी चाहिए। अभी लोग पढ़ रहे हैं और मुक्ति बोध को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। मैं आपको फिर से बधाई दूँ। धन्यवाद गोविंद जी, हमें इस बात का गर्व है कि हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि ऋतुराज जी हमारे शहर में रहते हैं और आज हमारे बीच में हैं। मैं ऋतुराज जी से अनुरोध करूँगा कि वो हमारी बातचीत के बाद करेंगे बाद में, तो ठीक है। इससे पहले बातचीत के बाद बीच में डिस्टर्ब नहीं, ओके। अध्यक्ष दरअसल मैं नंद जी की और रमेश जी की बातचीत सुनने आया था। मुझे इस पुस्तक का एक पैरा सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे ज़्यादा प्रासंगिक लगा, वो मैं पढ़ता हूँ। पहले मैं मुकामुस्व उन मध्यम वर्गीय लोगों से घोर घृणा करता है जो अवसरवादी पराक्रमों के घोर जंतु होकर भी वंदनीय हैं, महाशोषकों के शोषण अपराधों के सुसहायक हैं या उनकी संस्थाओं के दासानुदास हैं। यद्यपि वे अपनी शिकायतें बड़बड़ाते रहते हैं तथापि शोषकों के ही फलसफे को बुदबुदाते हैं। राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में भी इन्हीं महा असत्य शूकरों का तमाशा होता रहता है, गो कि उसमें मुंह से भारतीय संस्कृति की भाषा बोली जाती है।
ये नैतिक आत्मा का तार तार हुआ कुर्ता उतार कर नए नए स्वार्थों का भयानक काला चोगा पहनते हैं और बुदबुदाते हैं कि अपने कपड़ों के अंदर हर कोई नंगा है, अर्थात सभी उनकी तरह स्वार्थी हैं। अब देखिए, ये एक समस्या पैदा करता है। मुक्तिबोध की जो कविता है प्रखर सत्य, बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमें लगता है कि ये आज के समय में भी इतनी प्रासंगिक है? कोई कविता अपने अर्थ को लेकर के कैसे समय का अर्थांतरण करती है, कैसे वो भूत से भविष्य की तरफ जाती है? खैर, ये तो इस पुस्तक का शुरू का ही अंश है। पुस्तक का जो स्थापत्य है, जो उसकी संरचना है, वो मुझे बहुत पसंद आई। वैसे तो मुक्तिबोध की सारी कविता, हम कहते हैं कि एक ही लंबी कविता है। अगर इस पुस्तक में से वो कविताओं के संदर्भ निकाल दें और उसको एक कथा की तरह अंत तक पढ़ा जाए, तो वो एक ही चरित्र नायक की कथा है। और ये रमेश जी ने भी कहा है कि इसमें, यह कहा गया है कि कविता में जो आख्यान है, जो कथा है, वो एक प्रमुख चरित्र के चारों तरफ घूमती है। प्रमुख चरित्र है मुक्तिबोध, या मुक्तिबोध की प्रतीक्षाएं, जिसको मुकामुस्क कहते हैं, ये मुक्तिकामी स्वप्नदृष्टा। लेकिन स्वप्नदृष्टा नहीं, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि स्वप्नदृष्टा ही नहीं, वो भविष्य दृष्टा भी हैं, क्योंकि ये पंक्तियाँ आज के संदर्भ में बहुत मौजूद हैं, बहुत सटीक हैं। मुक्तिबोध को हम लोग एक बहुत बड़े विफल कवि के रूप में जानते हैं, तो समस्या ये है कि वो विफलता है क्या? कविता में तो वो बहुत सफल हैं, लेकिन जीवन में वो बहुत विफल हैं। ये मैंने भी देखा, मुक्तिबोध प्रसंग के दौर में जब उनका परिवार मेरे बगल में ही ठहरा हुआ था, शांता जी थी और अविवाहित लड़की थी, दो लड़के थे जिनको उसी वक्त नौकरी भी नहीं मिली थी, और मतलब तो शांता जी ने ये कहा बातचीत में कि मैं उनको बहुत समझाती थी, मानते ही नहीं थे और इतनी जल्दी चले गए, उन्होंने अपने को खपा दिया, इतना क्या ज़रूरत थी, कुछ ऐसा काम करते। सिर्फ राजनांद गांव में जाकर के वो कुछ व्यवस्थित हुए, बाकी सारा जीवन उन्होंने बहुत कष्ट में गुजारा, जैसे ग्रामशी ने गुजारा, इस तरह का जीवन, इतना कष्ट और इतना जो है बेकारी में, इतना अर्थाभाव में उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, और अंत में मेनिनजाइटिस से वो चल बसे, वो भी दिल्ली में जा कर के। और वो बहुत लोगों ने शास्त्री जी को कहा, अनुनय विनय की, तब उनका इलाज दिल्ली, इलाज तो होना ही नहीं था। मुक्तिबोध की सारी कथा मार्क्सवाद की विफलता की कथा है कि इस देश में स्वतंत्रता से पहले जो स्वप्न था, और स्वतंत्रता के बाद जो यथार्थ हमने भोगा है और जो विफलता हमने भोगी है, वो दरअसल में मार्क्सवादी होने की विफलता है। मार्क्सवाद तो अपने आप में एक विचारधारा, एक दर्शन है, वो और जगह तो बहुत सफल हुआ, लेकिन क्या कारण था कि भारत में वो अपनी विफलतम स्थिति में हम लोगों ने महसूस किया, और इस विफलता के एहसास से जो कविता रची गई, वो मुक्तिबोध की कविता है। हालांकि एहसास और लोगों को भी है, लेकिन और लोगों ने इस तरह उसको एक महाकाव्यात्मक रूप से लिखा नहीं, छुटपुट तरीके से लिखा, छुटपुट कविताएं की, भले वो नेमीचंद जैन हो, भले वो शमशेर हो,
उन्होंने छुटपुट तरीके से लिखा। मुक्तिबोध ने एक महाकाव्यात्मक नायक की तरह उस पूरे मार्क्सवाद का भाष्य किया और उस भाष्य का भाष्य रमेश जी की पुस्तक है। रमेश जी ने उस भाष्य का विग्रह किया है। भाष्य कहना शायद गलत होगा, जो संस्कृत आचार्य विग्रह करते हैं, मतलब उसको खुलासा करके उसको गद्य में लिखा। ये मुक्तिबोध की कविता की शक्ति है कि वो स्वयं गद्य में होते हुए भी एक नए तरह के गद्य में एक रूपाकार लेती है, एक उसका फॉर्म बनाती है। अब कि ये कि विफलता में क्या सबसे बड़ी तो विफलता होती है एक कवि की, आर्थिक विफलता। दूसरा उसका विचारधारात्मक तरीके से संघर्ष करना कि कोई विचारधारा उस एक परिस्थिति में उस देश काल में क्यों नहीं सफल हो रही है। हमने देखा कि एक बहुत लंबा एक बहुत भयानक जलूस है, उस जलूस में सब तरह के चेहरे हैं, उसमें टॉलस्टॉय भी हैं, उसमें गांधी भी हैं, उसमें गोखले भी हैं, साथ में डोमाजी उस्ताद भी हैं और बहुत से एक एक इस तरह की भयावह फिल्म है पूरा एक देश। स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा मोह भंग और इस तरह की भयावह अनुभव है, ऐसी विफलता है जो आश्चर्यजनक तरीके से आपको एक मध्यम वर्गीय अवसरवाद की तरफ ले जाती है। ये पूरी मतलब मुक्तिबोध का पूरा चरित्र जो अंधेरे में या उससे पहले की कविताओं में है वो उस मध्यम वर्गीय चरित्र का ही आख्यान है। जो मध्यम वर्ग चरित्र चाहता है कि जन क्रांति हो, रेडिकल चेंज आए, बदलाव आए और यथार्थ को लोग समझें, लेकिन जो खाई जो 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 विभेद है वो इतना ज़्यादा है कि मध्यवर्गीय चरित्र भी उसमें सफल नहीं हो पाता और अंततो गत्वा वो अवसरवादी हो जाता है या वो समझौता करने की स्थिति में आ जाता है। जैसे कि इस पैरे में उन्होंने बतलाया कि वो किस तरह रूप बदलता है, किस तरह पाखंड, किस तरह छद्म प्रपंच, किस तरह जो है कॉरपोरेट जगत से या पूंजीवादी जगत से समझौता कर लेता है। एक बुर्जुआ पूंजीवादी लोकतंत्र का एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक दस्तावेज हम कहेंगे मुक्तिबोध की कविता क्या है। मुक्तिबोध की कविता एक दस्तावेज है कि हमारे देश में कैसी परिस्थितियां थी, कैसी परिस्थितियां हैं और कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई क्रांति की आशा नहीं है और हम खोज कर रहे हैं। मुक्तिबोध का एक बहुत ही मतलब बहुत ही प्रिय शब्द है या मुक्तिबोध की पूरी कविता को जब हम उसका निचोड़ निकालें तो हम कहेंगे उस परम अभिव्यक्ति की खोज। आखिर वो परम अभिव्यक्ति क्या है? परम अभिव्यक्ति है वो साहस, वो कुवत, वो तरीका, वो स्ट्रेटेजी जिससे कि जनक्रांति हो। वो सिर्फ हम महसूस करते रहे कि हो रही है, हो रही है, हो रही है और जितने भी वामपंथी पार्टियां थी और जितने भी वामपंथी आंदोलन हुए वो धराशायी हुए और एक तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ चले गए। तो ये जो संकट है, ये जो क्राइसिस है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस है और ये सोशल क्राइसिस भी है। क्योंकि हम उस सोच को नहीं बदल पाए और बार बार उसी गड्ढे में गिरते रहे। मुक्तिबोध की कविता उसी की एक कथा है, एक लंबी कविता है, उसी की एक कथा है। और कोई चारा नहीं था उनके पास, आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा विपन्न थे, बहुत संघर्ष करते रहे, अखबार नवीसी करते रहे, सब तरह के काम करते रहे वो और दूसरों के लिए भी काम करते रहे, जगह जगह दर बदर भटकते रहे, कभी एक शहर में, कभी दूसरे शहर में, तीसरे में, सब परिवार अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो
एक इस तरह का जीवन जीने वाला कवि, इस तरह की, हम तो आज की शब्दावली में उसको विफल ही कहेंगे, तो इस तरह की विफलता का पूरा प्रतिबिंबन उनकी कविता में नज़र आता है। लेकिन इससे बड़ी विफलता है जन क्रांति का ना होना। जो 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 कविता उनकी हमें आकर्षित करती है, या हम जिसको बार बार पढ़ना चाहते हैं, या हम समझते हैं कि आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं, 100 साल के बाद भी, जन्म लेने के बाद भी इतने प्रासंगिक हैं, वो प्रासंगिकता है क्या आखिर? वो प्रासंगिकता है कि भारत जैसे देश का, देश में कोई परिवर्तन नहीं होना, या भारत जैसे देश का शने शने सांस्कृतिक रूप से ह्रास होना या पतन होना। और उस पतन की पूरी महागाथा मुक्तिबोध की कविता में है, और रमेश जी ने बड़े अद्भुत तरीके से उस पूरी कविता को एक करके, उसके जैसे बहादुर जी ने कहा कि कड़ियाँ, अलग अलग कड़ियाँ हैं, लेकिन उन कड़ियों को आप भूल भी जाएं तो भी कथा एक निरंतर चलती रहती है, कथा निरंतर चलती है। और उसका मतलब आप देखिए कि धीरे धीरे वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। क्लाइमेक्स अंधेरे में है, सब जानते हैं कि अंधेरे में जो क्लाइमेक्स है उसमें धीरे धीरे पहुंचती है, और वो अंत में जाकर के शून्य में विलीन हो जाती है। अंत में लगता है कि मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा पूरा जीवन असफल हुआ, और मैं जो मेरा असली चरित्र था, जो मेरा वास्तविक जीवन था, उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाया। वो हमेशा असफलताओं में और अभावों में, संकटों में ग्रस्त रहा, और मैं कुछ नहीं कर पाया सिवाय कवि होने के, मैं कुछ नहीं कर पाया। धन्यवाद। धन्यवाद ऋतुराज जी। दरअसल ये कार्यक्रम इस तरह भी हो सकता था कि अंत में अध्यक्ष बोले हैं और फिर रमेश जी अपनी बात कुछ बोले हैं, और हमने इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह रखा। उसका एक महत्वपूर्ण अंश ये है कि नंद जी उनसे बात करेंगे, और इसलिए बात करें कि वो उनकी किताब पर भी बात करें, किताब के बहाने उनकी रचनात्मकता पर बात करें, और साथ ही उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात करें, क्योंकि ये उनका 75वां जन्मदिन है, और एक पूरा रचना का सफ़र, रचना की उनकी रचनात्मकता की उनकी जो यात्रा पूरी रही है, और 75 साल के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आकर वो अब पूरे जीवन को, पूरी रचनाओं को, पूरी चीज़ों को किस तरह देखते रहे हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, कैसे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, उनकी किताब, उनका जीवन, इस सब पर नंद जी उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप ही के मुख्य स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए आदरणीय रमेश उपाध्याय जी को उनके 75वें जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और उनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण दिन को उन्होंने हमारे साथ साझा करने का मन बनाया। उनकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि जिससे एक महत्वपूर्ण आयोजन में रमेश जी की उपस्थिति आवश्यक थी, इसको उतनी गंभीरता से आपने लिया और मेरे प्रति ये स्नेह प्रदर्शित किया, जिसका मैं पूर्ण कभी हो नहीं सकता। रमेश जी से एक रचनाकार के रूप में, एक लेखक के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा समझा है, और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली लोगों में मानता हूँ कि मुझे रमेश जी का, स्वयं प्रकाश जी का, उन तमाम इनके साथ की पीढ़ी के रचनाकारों का, बड़े रचनाकारों का स्नेह भी मिला और बहुत कुछ मार्गदर्शन भी मिला। हमने 73-74 के आसपास, जब रमेश जी से पहली बार हमारा उस तरह का नज़दीकी रिश्ता बना, तो मोहन श्रोत्री जी और स्वयं प्रकाश जी ने एक पत्रिका यहाँ शुरू की थी, क्यों, और उससे भी पहले
थोड़ी इस तरह का वातावरण बना था जब ये उस व्यावसायिक पत्रिकाओं के लेखन से अपने को डिसोसिएट करके और एक सोच बूझ वाले दिशा देने वाले साहित्य की तरफ आना चाहते थे, एक बड़े मूवमेंट के साथ जुड़ करके और काम करना चाहते थे, लेखन में एक सार्थकता की तलाश करना चाहते थे और उसके लिए नए नए मंच और माध्यम तलाश कर रहे थे। प्रगतिशील लेखक संघ जो एक समय में कभी बहुत सक्रिय था और बीच में बहुत थोड़ा निष्क्रिय सा हो गया, उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। ईमानदार सम्मेलन हुआ, उसमें एक सोच बनी। अभी हाल ही में पिछले दिनों में एक रमेश जी की टिप्पणी पहल में देख रहा था, इब्राहिम शरीफ से आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है, तो उसमें भी आपने उसका जिक्र किया कि किस तरह से वो ज़रूरत हम भीतर ही भीतर बहुत सारे लोग महसूस कर रहे थे कि कुछ ऐसा हमें महत्वपूर्ण काम करना चाहिए जो दिशा दे। जिस तरह की अराजकता, जिस तरह का एक केओस लिटरेचर में धीरे धीरे पनपता जा रहा है, एक दिशाहीनता पनपती जा रही है, या जैसे कविता को अकविता बना दिया, कहानी को अकहानी बना दिया, या सब चीज़ों को जैसे मीनिंगलेसनेस करने की जैसे प्रयत्न किया जा रहा है, ये बड़े खतरे की तरह खासतौर से लिटरेचर के फील्ड में, कला के क्षेत्र में महसूस किया जा रहा था। और निश्चय ही इसका जवाब, इसका मुकाबला अच्छे सजग रचनाकार ही कर सकते थे। ये काम किसी ज़माने में बड़े रचनाकारों ने किया, चाहे वो मुक्तिबोध की पीढ़ी के लोग थे, नागार्जुन और त्रिलोचन और ये तमाम लोग थे जो बहुत सजग रचनाकारों के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन वो प्रगतिशील मूवमेंट, वो प्रगतिवादी मूवमेंट एक खास तरह के हमले का इस कदर शिकार हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा रामविलास जी जैसे सक्रिय लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे और जैसे पूरा परिदृश्य एक ऐसे लोगों के हवाले करके छोड़ दिया गया हो कि जिसका कोई मुकाबला करने वाला ही ना बचा। उस परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिए, उसमें नई जान डालने के लिए, उसे एक नई दिशा देने के लिए जिन लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया, मैं रमेश उपाध्याय को उस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति और लेखक के रूप में देखता हूँ। रमेश जी का हमारे एक आत्मीय रिश्ता इस यूँ भी बनता है कि रमेश जी के अपने लेखक के रूप में उभरने का जो महत्वपूर्ण अवसर है वो राजस्थान में उस समय यहाँ बीता। शुरू में करीब 60 से लेकर 64 तक वो यहाँ रहे अजमेर में। काफ़ी कठिन परिस्थिति से रमेश जी आए हैं, जिस तरह के स्ट्रगल से निकल करके, और उस कठिन परिस्थिति में भी अपने भीतर के रचनाकार को कैसे पोषित करते हुए सजग बनाए रखा, और काम चाहे एक कंपोजिटर के रूप में किया लेकिन अपने रचनाकार को उसके लिए स्पेस बराबर देते रहे। और सन 62 में उनकी पहली कहानी आई थी, एक घर की डायरी, और पहली कहानी में ही जिस तरह का एक यथार्थवादी अप्रोच लेकर के रमेश जी आए थे, कहीं से कहानी तलाश नहीं की, जिस परिस्थिति में जिस तरह के लोगों के बीच में रमेश जी ने अपना जीवन प्रक्रिया शुरू किया, स्ट्रगल शुरू किया, उन्हीं लोगों के मानस को, उन्हीं लोगों के भीतर के उहापोह को, उन्हीं लोगों के भीतर के एक द्वंद को उस कहानी में जैसे बुनने की कोशिश की। और वो अपने आप में अद्भुत कहानी, तो उस तरह की कहानी किसी ने लिखी भी नहीं, एक ही परिवार के चार लोगों की डायरी है और उसमें से किस तरह से एक कहानी बनती, ये काम, यानी यहाँ प्रयोग अगर रमेश जी ने शुरू किया तो पहली कहानी के साथ ही शुरू हो गया। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, बेशक वो व्यावसायिक पत्रिकाओं के दबाव में एक खास तरह की कहानी देते रहे होंगे, इसके बावजूद जो भीतर का एक सजग रचनाकार था वो कभी निष्क्रिय नहीं हुआ, वो लगातार उसके बीच में अपना स्पेस बनाता रहा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रमेश जी कहानीकार नहीं थे मूल रूप, कवि थे, ज़्यादातर कविताएं लिखी, जब शुरू में छपी भी नहीं थी, इतनी कविताएं कि पूरा एक संग्रह बन गया, अनिश्चित यात्राएं करके संग्रह बनाया, और प्रकाश जैन जी वगैरह से सलाह ली कि मैं इसको एक संग्रह के रूप में देना चाहता हूं, तो उनका पहले छाप लेता हूं, कुछ कविताएं उन्होंने लहर में छापी भी। और
वो संग्रह मतलब इस तरह की त्रासदी का शिकार हुआ कि वो जब दिया तो था कि वो उन्हें छपवाएंगे, वो किसी और के नाम से छप गया और उन्हें बताया गया कि यार वो तो कहीं रख दिया मैंने, पता ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। अब तुम तो और कविताएं, या तुम्हारे पास कोई उसकी प्रतियां होंगी, वो जानना शायद इसलिए चाह रहे थे कि जो तुम्हारी छपी हुई है वो बता दो, तो उनको वो उनमें से उनको हटवा दें ताकि वो उसका कोई संदर्भ नहीं बचे। और ये हुआ भी, वो छपी भी किसी और के नाम से, जो मिली भी, तकलीफ और ये स्वाभाविक थी। लेकिन सबसे बड़ी ताकत रमेश जी की ये है कि रमेश जी ने कभी उसको गांठ की तरह नहीं, जिन्होंने ऐसा किया उनसे भी कोई दुराव नहीं रखा। ओके, ठीक है। उससे जो कुछ सीख सकते थे, जो कुछ उनसे एक रचनाकार के रूप में जान सकते थे, वो पूरे अच्छे खुले मन से जाना समझा, उनके साथ काम किया और एक बड़ी दुनिया की तरफ रुझान बनाया, फिर और अपने उस संघर्ष को विस्तार दिया, अपने साथ साथ अपने शैक्षणिक स्तर को भी बेहतर बनाने की कोशिश की। 68 में करीब यहाँ अजमेर से ही आपने हिंदी एमए किया, उससे पहले ग्रेजुएशन की, और न केवल राजस्थान के अजमेर शहर में रहे, जोधपुर में भी रह करके काम किया, आपके जयपुर में भी आए। उस दौरान में जितनी दूर तक जा सकते थे इंटीरियर में, क्योंकि एक लोकेल से, लोक से आया हुआ व्यक्ति था, तो उसकी दिलचस्पी जीवन में थी, जीवन के स्ट्रगल में थी, और स्ट्रगल में कैसे एक व्यक्ति खड़ा होता है उसकी तलाश थी। ऐसे व्यक्ति को मुक्तिबोध क्यों नहीं पसंद आए? ऐसे व्यक्ति का जो स्ट्रगल है वो उसे कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा निश्चित रूप से मिलेगी, निरालय से मिलती है, मुक्तिबोध से मिलती है। ऐसे तमाम लोग और जो भी साहित्य में या कला के क्षेत्र में बड़ा काम जिसने भी किया है, वो इसी तरह की प्रक्रिया से, इसी तरह की जद्दोजहद में से निकल करके और अपना रास्ता बनाता है। और ऐसे ही लोग लीक पर नहीं चलते, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, उनका न अनुकरण होता है न वो किसी का अनुकरण कर पाते हैं। ये एक प्रक्रिया शुरुआत की, उसके आगे का बहुत सारा ब्यौरा आप दे चुके हैं, और मुक्तिबोध के साथ जो संवाद का जो बना है, इस पर काफ़ी बात हुई, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। मैं केवल उन नुक्तों को जोड़ने की कोशिश करूँगा जो इस किताब तक रमेश जी को लेकर के आई है। तो सबसे पहला सवाल कहिए, वो कहिए, हालांकि मुक्तिबोध पर मेरा बहुत शुरू में काम रहा है, मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया पर मेरी थीसिस प्लान की हुई थी, मैंने खूब उसमें गहराई में जा करके पढ़ा समझा, और जिस मुक्ति का में स्वयं दृष्टा पर आपने पूरी ये किताब लिखी है, मेरा एक बड़ा लेख मुक्तिबोध का काव्य नायक जिसका आपने जिक्र किया था राजाराम ने, वो पांडुलिपि में छपा भी है। मैंने मुक्तिबोध की सारी कविताओं में उस एक काव्य नायक को तलाश करने की कोशिश की, मैंने उसे मुक्तिकामी स्वप्न दृष्टा बेशक न कहा हो, लेकिन वो व्यक्ति उसके भीतर मुझे शुरू से पहली कविता से लेकर के आखिर तक लगातार अंधेरे में तक नज़र आता था कि ये है, और ये लगातार निरंतरता बनाए हुए। अगर उसके वैश्विक संदर्भ में जाएं तो इस स्वप्न दृष्टा को आकार देने वाला पहला व्यक्ति था कार्ल मार्क्स, जिसने एक सपना देखा था मुक्ति का, दुनिया की मुक्ति का और सारी जद्दोजहद से मुक्ति का बड़ा सपना देखने वाला स्वप्न दृष्टा कोई था तो वो था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के साथ एक पूरी परंपरा जुड़ी और एक पूरी विचारधारा जुड़ी हुई है, और किस तरह से उसी परंपरा को भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुक्तिबोध या मुक्तिबोध के साथ भी बहुत सारे आपको लोग दिखाई देंगे, मुक्तिबोध अकेले नहीं है इस बारे में। तो मैं रमेश जी आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो कविता और कहानी के बीच का जो अंतर संबंध आपने तलाश किया, शायद कहीं आपकी इस भीतर की जो काव्य संस्कार आपके भीतर था और उसके बाद में जो आपने कहानियाँ लिखी, मैं तो मानता नहीं कि विधाओं का कोई बहुत ज़्यादा विभाजन होता है, अभिव्यक्ति के माध्यम है, और ये अभिव्यक्ति वो भीतर का जो तथ्य होता है या जो अंदर का जो फोर्स होता है जो मुक्तिबोध की कविताओं में आत्मसंघर्ष की तरह आता है, वो तय करता है कि वो किस फॉर्मेट में जाएगा। लेकिन
बड़े रचनाकारों ने तमाम विधाओं में अपने को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आपने कोई ऐसा सजग होकर के किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन कोई ना कोई अंतर संबंध आपको जरूर इसमें दिखाई देता रहा है और उससे कुछ ग्रहण भी किया है, इस पर अपनी कुछ बात करें। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, लेकिन उसका उत्तर देने से पहले सबसे पहले मैं ये अपनी खुशी और अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि राजस्थान में आकर के मैंने अपना जन्मदिन मनाया और आप लोगों ने इतने अच्छे ढंग से उपस्थित होकर के और बोल करके मेरी किताब पर मेरा उत्साह भी बढ़ाया और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अपने आप को एक तरह से धन्य हुआ मान रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका आभारी हूँ। और जहाँ तक नंदजी के प्रश्न का सवाल है, उनका उत्तर वो पहले खुद ही दे चुके हैं एक तरह से जो बताया उन्होंने। मैं ऐसा मानता हूँ कि साहित्य की जो विधाएँ हैं वो एक बात को अलग अलग तरीके से कहने के रूप हैं। कोई मतलब उसमें ऐसा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि ये कविता है और ये कहानी है और इसमें जो है कोई संबंध नहीं हो सकता है। कविता में कहानी हो सकती है, कहानी में कविता हो सकती है, नाटक हो सकता है, निबंध भी हो सकता है और तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं शुरू से ये मान के चलता हूँ कि एक लेखक को ये देखना चाहिए कि वो अपने बात को अच्छे से अच्छे ढंग से किस माध्यम से व्यक्त कर सकता है। मतलब मैं ये मान के चलूँ कि मैं कवि हूँ और कविता ही लिखूँगा और किसी और विधा में काम नहीं करूँगा, तो मुझे लगता है ये एक तरह की सीमा है जो आदमी अपने ऊपर बांध लेता है। कुछ दूसरे आलोचक वगैरह भी बांध देते हैं कि कोई स्टैम्प कर दिया कि ये कवि है तो कवि जो है वो कविता ही लिखेगा, कहानीकार है तो कहानी का ही कहानी ही लिखेगा। मैं ऐसा नहीं मानता, और इसीलिए आप देखते हैं कि मैंने शुरू से ही विभिन्न विधाओं में काम किया। मैंने शुरू में जैसा बताया रंजीत ने कविताएँ लिखी, बाद में भी लिखी, बाद में कुछ थोड़ी भी छपी छपती भी रही हैं, लेकिन ज़्यादातर स्वांतर सुखाए मैं लिखता रहा हूँ, वो डायरी में कहीं पड़ी होंगी या अभी भी कभी आ जाती हैं। तो कविता छूटी नहीं है मेरे से, वैसा नहीं हुआ कि वही एकदम कोई संग्रह नहीं छपा तो वो कविता लिखना छूट गया हो। लेकिन मैंने कहानी लिखना शुरू किया और साथ साथ लेख तरह तरह के, और केवल साहित्यिक लेख नहीं, विभिन्न विषयों पर जिसमें विज्ञान जैसा विषय भी है, विज्ञान के उस पक्ष पर जो टेक्नोलॉजी से अलग है, क्योंकि विज्ञान लेखन को हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो प्रौद्योगिकी है उसमें जो नए आविष्कार होते हैं उनके बारे में लिखना जो है विज्ञान लेखन है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि विज्ञान हमारे जीवन को बदलने वाली एक शक्ति है और उसमें निरंतर कुछ नया होता रहता है। और दूसरी बात यह है कि वो ज्ञान जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष तक, चाहे वो एक व्यक्ति के माध्यम से ही सामने आया हो, लेकिन एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होता, किसी देश विशेष तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो वैश्विक होता है। साहित्य भी यही काम करता है, साहित्य भी वैश्विक ही होता है, लेकिन विज्ञान के साथ तो यह है कि विज्ञान किसी एक देश का, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो एक आविष्कार होता है या एक खोज होती है और वो पूरी दुनिया की हो जाती है। तो मैं इस विषय इस विज्ञान की इस विशेषता को शुरू से महत्व देता रहा और इस तरह के लेख मैंने खूब लिखे। फिर कभी मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैंने बहुत अच्छी फिल्म देखी, देशी या विदेशी, उसके बारे में लिखना चाहिए। तो ये नहीं कि मैं फिल्म क्रिटिक के रूप में लिखा, मुझे लगा कि इस फिल्म के बारे में मेरी जो राय है या मैंने जो एक नयापन महसूस किया है उसके बारे में लिखूं। ज़रूरत पड़ी तो नाटक लिखे, नुक्कड़ नाटक भी लिखे और साक्षात्कार भी लिए दूसरों के, जो जैसा जब समय आया जैसी चीज़ें हुई तो मैंने विभिन्न विधाओं में काम किया। लेकिन अधिक काम जो है क्योंकि कथा साहित्य के रूप में किया है तो कथाकार के रूप में जानते हैं, और मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ कि भाई ठीक है, मैं मतलब मुख्य रूप से कथाकार हूँ और इसमें ना कोई शर्म की बात है ना कोई गर्व की बात है, हूँ तो हूँ लेकिन ये है कि मुझे सभी विधाएँ प्रिय हैं। एक जो प्रश्न इसी के क्रम में बनता है और स्वाभाविक रूप से इस संवाद को भी आगे बढ़ाएगा,
कि आपने मुक्तिबोध जैसे संश्लिष्ट कवि को संप्रेषण की दृष्टि से व्याख्यात करने की दृष्टि से या वो मुक्तिबोध जैसे और भी किसी भी कवि को के पर भी आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, उसके लिए कथा तत्व को कथा विधा को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और उपयुक्त माध्यम के रूप में या रूप के रूप में आपने चुना है। और आपका कथाकार अपने ढंग से जो कहानियों के माध्यम से बात कहता है वो तो कहता ही है, लेकिन चाहे मुक्तिबोध या किसी और भी पोइट की अगर इस तरह से हम उसके भीतर के कथा तत्व को पहचान करके और उसका अगर और विश्लेषण व्याख्या करें, मूल्यांकन का मैं ज़्यादा आग्रह नहीं करता। मैं मानता भी हूँ कि मूल्यांकन कोई बहुत इतना बड़ा मसला भी नहीं है कि किसी का वैल्यूएशन करके आज ही हम तय कर दें। जब तक लेखक है उससे एक संवाद बना रहना चाहिए, वो क्या कहना चाहता है उसे हम समझने की कोशिश करें, या अगर वो संश्लिष्ट तरीके से समझा रहा है तो हम उसे और खोल करके समझाएं। मुक्तिबोध ने अगर अपने आत्मसंघर्ष को उस तरह से ज़्यादा भीतर इकट्ठा करके और कम शब्दों में कसे हुए एक शिल्प में कहने की कोशिश की तो इसे और हम और शायद आपको उसके लिए कथा तत्व जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व लगता है। वो प्रक्रिया किस तरह से आपको ज़्यादा प्रभावशाली लगती है, कथा को आप इतना महत्व क्यों देते हैं, कैसे देते हैं? मुक्तिबोध मुझे शुरू से ही आकर्षित, शुरू से मतलब यह है कि जब उनकी मृत्यु हुई है उसके बाद से, पहले मैं मुक्तिबोध को ज़्यादा ना तो मैंने पढ़ा था और ना मैं ज़्यादा उनके बारे में जानता था, लेकिन जब दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई और उस पर चर्चा शुरू हुई और उनकी पुस्तकें आईं तब मैंने उनको पढ़ा और मुझे लगा कि ये हमारे समय का एक ऐसा कवि और लेखक है, विचारक है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये पहला इम्प्रेशन था मेरा उस समय का, और ये इम्प्रेशन जो है ना वो लगातार बढ़ता ही गया। मतलब मैं ये हमेशा महसूस करता रहा कि एक तरफ प्रेमचंद मुझे अभी भी नए लगते हैं, प्रेमचंद को जितनी बार पढ़ता हूँ, मैंने लिखा भी है कि उनको पढ़ना हमेशा एक तरह से नए सिरे से पढ़ना होता है, हर बार हम प्रेमचंद को नए ढंग से पढ़ते हैं और मैंने उनके बारे में लिखा भी है। उसी तरह से मुक्तिबोध को जब हम पढ़ते हैं तो मुक्तिबोध भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम एक बार नए सिरे से फिर पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ रखा है, हम जान चुके हैं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। तो उनकी कविताएं पढ़ी, कहानियां भी पढ़ी, कहानियों पर मैंने लिखा भी है, और उनके जो वैचारिक निबंध हैं, राजनीतिक निबंध हैं, और उनका जो आलोचनात्मक काम है उसको भी सब मैंने देखा है। लेकिन इस किताब के संदर्भ में जहाँ तक मैं सकता हूँ कि कविता में मैंने क्यों दखल दिया, मतलब दखल क्या दिया, दखलंदाजी की अनधिकार, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बात यह है कि मैं एक अध्यापक भी रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा हूँ, और उसमें मैंने और लोगों के साथ साथ मुक्तिबोध को भी पढ़ाया, और जिस कविता की बात अंधेरे में की बहुत चर्चा होती है उसको भी मैंने पढ़ा। तो ये कविता में कहानी है, मुक्तिबोध की कविता में कहानी है, ये विचार मुझे कक्षा में पढ़ाते समय सूझा। मैंने इस अपने छात्रों को पहले कविता नहीं पढ़ाई, एक एक चीज़ की व्याख्या करते हुए बस नहीं, मैंने कहा एक कहानी सुनो। तो मैंने कहानी जैसे उसमें है लगभग जो जिस रूप में वो आई है, हालांकि अब तो बहुत विकास हो गया, विस्तार हो गया उस चीज़ का, लेकिन प्रारंभ जो है वो मेरी एक MA की कक्षा में हुआ जिसमें मैं इस कविता को पढ़ा रहा था, और मुझे लगा कि इसमें मुक्तिबोध ने मुझे है तो लिखी गई तो कविता के रूप में है, निश्चित रूप से वो कविता ही है, कविता के रूप में लिखी गई है, लेकिन वो एक कहानी है, क्योंकि कहानी की जो मुख्य चीज़ होती है चरित्र होता है, उस चरित्र की कहानी होती है, और एक करैक्टर जो है वो इसमें है, वो भले ही मैं है लेकिन वो मैं जो है वो मुक्तिबोध नहीं है, मैं समझता हूँ, और जिन्होंने उसको मुक्तिबोध मान करके जिसकी व्याख्या की है मैं समझता हूँ कि बहुत गलत काम किया, क्योंकि जैसा मैंने भूमिका में लिखा भी है इस पुस्तक की कि जब हम किसी
रचना में ये मान लेते हैं कि जो मैं पात्र है वो स्वयं रचनाकार है, तो हम उसके जीवन का मिलान उसकी रचना की हर चीज़ से करने लगते हैं, और जब नहीं होता है तो हमें लगता है कि कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, या तो लेखक कुछ छिपा रहा है या हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहता है। और मुक्तिबोध के साथ यही हुआ, ख़ासतौर से अंधेरे में कविता के साथ यही हुआ है कि हम उस मैं पात्र को मुक्तिबोध समझ करके उसकी व्याख्या करने लगते हैं। मैंने उसको अलग हटा करके मैंने कहा कि ये एक चरित्र है, एक कहानी का पात्र है, और वो उसकी कहानी ये है, तब छात्रों की समझ में बहुत आसानी आई। तो ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था कि मैं इस पर कभी लिखूँगा। संयोग ऐसा हुआ कि वो जन्मशती वर्ष शुरू हुआ और इलाहाबाद से निकलने वाली एक पत्रिका के संपादक ने कहा कि हम एक मुक्तिबोध विशेषांक निकालना चाहते हैं, उसमें आपको एक लेख लिखना। तो मैंने जो है वो हामी भर ली, क्योंकि मेरे दिमाग में वो अंधेरे में का वो कथा पाठ करने का आइडिया बहुत सालों से था, तो वो मैंने लिख डाला और भेज दिया उसको। उसके बाद ये सरस्वती नाम की जो पत्रिका है दिल्ली से निकलती है, सामयिक सरस्वती, उसका मुक्तिबोध विशेषांक आया। हालांकि तब तक शताब्दी शुरू नहीं हुई थी, वो अप्रैल 2016 में ही आ गया था। तो उसके संपादकियों को मैंने पढ़ा तो उसमें दो संपादकीय थे। एक संपादकीय में तो ये कहा गया कि मुक्तिबोध ना वामपंथी थे ना दक्षिणपंथी थे, वो मानवतावादी थे, शुद्ध केवल मानवतावादी, मात्र मानवतावादी। और दूसरा संपादकीय ये कहता था कि मुक्तिबोध जो थे वो ठीक है मार्क्सवादी थे, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा साहित्य के स्वरूप पर है, मतलब साहित्य का स्वरूप, और उनको समझने की कुंजी जो है वो अज्ञा है। मुझे दोनों वक्तव्य इतने ख़राब लगे और इतने गलत भी लगे कि मुझे लगा कि इसका खंडन करना चाहिए। लेकिन लेख लिख करके और वो बहुत से आलोचकों को उद्धृत करके और तमाम तरह से करके वो नहीं करना मुझे ठीक नहीं लगा। तो मुझे लगा कि ये काम जो है एक नए ढंग से जो है होना चाहिए, और इसमें मेरी दोनों बेटियों ने जो पढ़ाती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे। उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से अंधेरे में का कथा पाठ किया है, उसी तरह से आप मुक्तिबोध की दूसरी कविताओं का भी कथा पाठ की, एक बड़ा काम होगा, महत्वपूर्ण काम होगा। उससे मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली, और मेरे प्रिय कवि तो थे ही, तो मैं उस काम को लगा और 6-7 महीने मैंने उसमें लगाए और कुछ नहीं किया, सिर्फ ये काम। कठिन काम था, और ऋतुराज जी को मैं सुबह बता रहा था कि कितना मुश्किल काम था ये, और उसके 3-4 ड्राफ्ट मैंने किए अलग अलग, उसके बाद अंतिम जो रूप है वो आपके सामने। बस मैं अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय भी काफ़ी हुआ है, एक बड़ा काम रमेश जी ने इधर जो किया है वो भूमंडलीय यथार्थ को एक विस्तृत व्याख्या में परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश है, और चाहे किसी भी पोइट या किसी भी कथाकार के रचनाकर्म को केंद्रित में लेकर के जब रमेश जी बात करते हैं तो उसको धीरे धीरे खोलते खोलते वो उस पूरे भूमंडलीय यथार्थ को उसके माध्यम से व्याख्यायित करने या समझाने का प्रयत्न करते हैं, और उसमें मोटे तौर पर वो तलाश भी करते हैं कि वो किस तरह से उससे जुड़ता है। थोड़ा मुक्तिबोध के संदर्भ में इसको आप व्याख्यायित करके बताएं कि कैसे वो एक बड़ी विश्व दृष्टि वाला पोइट था और भूमंडलीय यथार्थ को किस तरह से अपनी कविताओं में सहेजता है और उसे एक नया आयाम देता है। आनंद जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं आदरणीय ऋतुराज जी के वक्तव्य से शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध की कविता मार्क्सवाद की विफलता की कविता है। एक तरह से ये बहुत बड़ा वक्तव्य है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, और मैं इसको सही मानता हूँ। और मुक्तिबोध की कविताओं को आप ध्यान से देखें तो उसमें इस बात की आलोचना है। वो केवल ये नहीं कहते कि मार्क्सवाद विफल हो गया, मार्क्सवाद क्यों विफल हुआ भारत में, इसकी तरफ भी इशारा करते हैं। आप उनकी कविताओं में शुरू से देखें, प्रारंभिक कविताओं से लेकर के अंतिम कविताओं तक,
एक चीज़ बराबर आपको मिलेगी कि वो ये मान के चलते हैं कि पूंजीवाद जिस तरह से एक वैश्विक व्यवस्था है उसी तरह से समाजवाद भी एक वैश्विक व्यवस्था है। रूस में जब क्रांति हुई और वहाँ समाजवाद समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुई जैसी भी थी, उसमें एक बड़ा गलत नारा दिया गया और उस पर अभी भी कुछ लोग टिके हुए हैं, कुछ लोग क्या बहुत से टिके हुए हैं जो बिल्कुल जड़ सिद्धांतवादी लोग हैं। वो नारा था एक देश में समाजवाद, सोशलिज्म इन वन कंट्री। मुक्तिबोध शुरू से इसके खिलाफ, वो कहते हैं जन जन का चेहरा एक, उनकी कविता का शीर्षक है ये, जन जन का चेहरा एक। वो एशिया में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, लैटिन अमेरिका में हो, कहीं भी हो, आदमी की पीड़ा एक है, आदमी के शोषण का तरीका एक है, उसके ऊपर जो शासन करने वाला जो पूंजीवाद है वो एक है, और इसीलिए सारी जनता का एक चेहरा एक है। और इसीलिए वो उसमें कहते हैं कि एशिया में, यूरोप में और अमेरिका में, सब जगह हिंदुस्तान, सब जगह हिंदुस्तान, मतलब वो हिंदुस्तान को एक देश के रूप में नहीं बल्कि एक दुनिया के हिस्से के रूप में देखते हैं। और जो उनकी क्रांति की कल्पना है वो एक देश में क्रांति होने के बजाय एक भूमंडलीय, भूमंडलीय शब्द बाद में आया है, उस समय वैश्विक सत्ता, तो वैश्विक क्रांति की बात करते हैं। और ये एक कविता में नहीं, अनेक कविताओं में है। आप, मैंने इस किताब में यही रेखांकित करने की कोशिश की है कि इस बात को हमारे आलोचकों ने समझा ही नहीं, या तो गौर करने लायक नहीं समझा या इसको महत्व नहीं दिया, जबकि ये मुक्तिबोध की कविता का एक केंद्रीय थीम है, केंद्रीय विचार है कि क्रांति जो है अकेले एक देश का मसला नहीं है, ये सारी दुनिया का मसला है। वो कैसे होगी, कौन कौन करेगा, कौन सी पार्टी करेगी, ये सब इसमें वो नहीं जाते। वो कोई स्ट्रेटेजी बनाने वाले, टैक्टिक्स बनाने वाले नेता नहीं है, वो एक कवि है, एक वो स्वप्नदृष्टि हैं, स्वप्नदृष्टा हैं और भविष्यदृष्टा, जैसे ऋतुराज जी ने कहा कि वो भविष्यदृष्टा है, भविष्य के रूप में देखते हैं वो। कि एक कविता उनकी है जो मैंने विस्तार से इस किताब में दी भी है कि एक क्रांति होगी, वो वैश्विक क्रांति होगी और वो दुनिया की अंतिम क्रांति, ये मान के वो चलते हैं। और स्पष्ट शब्दों में ये कहा है उन्होंने कि वो अंतिम क्रांति होगी और उसके बाद उसमें क्या होगा ये वो नहीं बताते, लेकिन क्या नहीं होगा ये बाकायदा गिनाते हैं। वो जो यूटोपिया है उनका, वो नेति नेति वाली जो हमारी पद्धति रही है हमारे दर्शन शास्त्र में, उस रूप में आता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, शोषण के ये तरीके नहीं होंगे और ये नहीं होगा। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुक्तिबोध का सपना क्या था, मतलब जो नहीं है उसके बजाय क्या हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। और वो उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो किस तरह का भविष्य देख रहे थे और उनकी जो कल्पना थी वो किस प्रकार की थी। तो मैं जिसको आजकल भूमंडलीय यथार्थवाद कहता हूँ, वो भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है, भूमंडलीकरण तो होता रहा है बहुत पहले से, वो इस बात से संबंधित है कि समाजवादी क्रांति का जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, वो एक देश में या एक पॉकेट में। जैसा कि कुछ क्रांतिकारी, अतिक्रांतिकारी लोग समझते हैं कि हम जो है वो छत्तीसगढ़ में या कहीं और जा करके जो है एक पॉकेट में क्रांति कर लेंगे और फिर सारे देश में फैल जाएगी, फिर सारी दुनिया में फैल जाएगी, ऐसा नहीं होता। और आज की दुनिया में तो बिल्कुल असंभव है कि आप इस तरह के छोटे मोटे प्रयत्न करके, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी शक्ति है पूंजीवाद के पास कि वो कभी भी आपको कुचल सकते हैं और कुचल ही रहे, और उसके लिए तरह तरह के आपको समझौते करने पड़ते हैं, वो गैर मार्क्सवादी तरीके के काम होते हैं। तो मार्क्सवाद में मुक्तिबोध की अविचल आस्था लगातार, वो कभी मतलब स्खलित नहीं होती, कभी भी उसे दिखते नहीं है, लेकिन इतनी दृढ़ता के बावजूद वो ये मानते हैं कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो काम किया है वो गलत, और इस बात से जो है वो हमारे प्रगतिशील जनवादी आलोचक जो है इसको स्वीकार नहीं करते। वो मुक्तिबोध को अपना कवि तो मानते हैं, लेकिन मुक्तिबोध ने जो आत्मालोचना की है और आलोचना की है उसको स्वीकार नहीं करते। तो मेरा मतलब मुख्य उद्देश्य इस किताब को लिखने का यह था कि मैंने कोई उनका मूल्यांकन नहीं किया है, मैंने उन पर कोई आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं की है,
मैंने केवल एक काम किया है कि मुक्तिबोध जो कहते हैं उनको उन्हीं के शब्दों में रख दिया जाए। आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक अर्श फिशर की किताब का अनुवाद किया था, द नेसेसिटी ऑफ आर्ट, कला की जरूरत नाम से। तो अर्श फिशर ने एक और किताब लिखी है, उसका नाम है मार्स इन हिज ओन वर्ड्स, मार्स अपने ही शब्दों में। तो इस किताब का नाम, जो मेरी किताब है, उसका नाम ये भी हो सकता था, मुक्तिबोध इन हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि ये लगभग उन्हीं के शब्द हैं। मैंने उनको एक तरतीब दी है जिससे कि उनके संदर्भ स्पष्ट हो जाएं और उनकी बात जो वो कहना चाहते हैं वो हो जाए। यही मेरा काम। मुक्तिबोध ने ये काम न केवल कविताओं के माध्यम से किया, कहानियों के माध्यम से भी किया, चाहे वो क्लॉड ईथर की इथरली ले लो या दूसरी उनकी बड़ी कहानियाँ ले लीजिए। ये काम उन्होंने आलोचना के माध्यम से किया, अपनी जो डायरी लिखी नए की जन्म कुंडली, जैसा जैसे दो पार्ट में लेख है आप उसको जाइए पढ़िए, उस सारे को जो खोल के, जो काम रमेश जी ने अपनी तरह से इन कविताओं में से खोल के किया है, ये मुक्तिबोध स्वयं भी इस प्रयत्न में लगातार लगे रहे और खूब खोला है। मुक्तिबोध को समझने में जितना मददगार मुक्तिबोध स्वयं है शायद कोई भी दूसरा नहीं है। और मेरा तो सोच है कि हर रचनाकार के दूसरे और फॉर्म को आप तलाश कीजिए, आपको एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और यही काम स्वयं रमेश उपाध्याय भी अपने लेखन में करते हैं, हम बहुत छोटे स्तर पर करते हैं, लेकिन ये यही तरीका है, यही दिशा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। साथियों, कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले एक सूचना देना चाहता हूँ कि कुर्जा का पिछले दिनों राजस्थानी कहानियों का अंक निकला था, जिसमें अनुदित कहानियाँ राजस्थानी की हैं। तो रमेश जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे सभी आगंतुक मित्रों को, मेहमानों को, साथियों को ये कुर्जा हम का उपहार देना चाहेंगे। तो आप जाने से पहले अपनी अपनी एक प्रति यहाँ जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं।